दो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अब काटती क्यों नहीं है? क्योंकि जब अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनका जो कटान बिंदु होगा, जहां पर जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो संभव नहीं होता है। वो हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक दिशा, ये कोई वैद्युत क्षेत्र बल रेखा है, और एक है इस प्रकार से, मान लीजिए ये दूसरी वैद्युत बल रेखा है। अब यहाँ पर ये कोई बिंदु है P, इस P बिंदु पर ये जो दोनों बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काट रही हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो अगर जैसे मान लीजिए P बिंदु पर ये कोई बल रेखा है, तो अगर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है तो यहाँ पे हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई अलग से देख रहे हैं, यहाँ पे ये कोई विद्युत बल रेखा है, इस बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो यहाँ पर एक स्पर्श लाइन खींचते हैं। स्पर्श लाइन की दिशा ये है तो जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी यही होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे ये पी बिंदु है, अगर इस ये जो वैद्युत बल रेखा है ये एक मान लेते हैं, ये दो मान लेते हैं, तो ये जो एक वैद्युत बल रेखा है यहाँ पर, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी इस तरफ, नीचे की तरफ, इस प्रकार से। और ये जो बल रेखा दो है यहाँ पे, अगर इस बिंदु P पर विद्युत स्पर्श रेखा खींचे, अगर यहाँ पे P बिंदु पर, तो इसकी दिशा होगी इस प्रकार से। तो अगर P बिंदु पर हम देखें तो एक तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये प्राप्त हो रही है और एक नीचे की तरफ प्राप्त हो रही है। अब चूंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो इनका कटान होता है ये संभव नहीं होता है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।